हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 से टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है लिमिट्स, क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए माइनस साइन बी लगाना है नीचे, लेकिन अगर छोटा सा ट्रिक लगाए तो एक बात पता होना चाहिए कि साइन को लिए सॉल्व करने के लिए साइन का जो एंगल है वो हमें एग्जैक्टली नीचे डिविजन में चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्टली वन लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको बात समझ में आए तो। हमने क्या किया, ये देखिए ठीक है, अगला स्टेप देखिए, दोनों को सेपरेट लिमिट दे दिया, यहां पर भी वही किया बिल्कुल, ठीक है। एक तरह से हमने कोई चेंज नहीं किया, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज किया। अब मैंने देखिए उस हिसाब से ये एक्स हो गया, दोनों के नीचे सेपरेट, दोनों के नीचे सेपरेट, देखिए आप कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, नीचे लिखाओ, मतलब कहने का मेरा ऐसा है आपसे लिमिट एक्सटेंड टू तो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, मतलब जो साइन का एंगल है वो एग्जैक्टली अगर नीचे लिखा है तो डायरेक्टली वन लिख सकते हैं। और जैसे देखिए साइन का एंगल तो 2x है, क्योंकि मेरे पास तो नीचे x ही लिखा होगा, तो देखिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड प्लस ऐसे, देखिए मैं यहां क्या करूं, तो यहां लिखा है मेरे पास साइन 6x अपॉन x, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड होल अपॉन, ऐसे देखिए यहां पर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ऐसे यहां 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक। आगे देखिए 1, ये भी 1, ये वन इसी नियम की वजह से, देखिए क्या बचा होगा, 2 + 6 = 5 - 3 हो गया 8/2 जो भी होता है 4, तो ये था इसका फाइनल आंसर। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।